हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, दुनिया में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लोग हैं। यहाँ पर ये रिपोर्टर इस बंदे को पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये पूछती है, तो इस पर ये बंदा क्या जवाब देता है देखिए। पाकिस्तान तालीम में कहाँ है? ये पाकिस्तान का तालीम है, मेडिकल चर्च में देखो स्कूल लगे हुए, ये स्कूल लगे हुए, तालीम देखो ना हमारी, बच्चों को सिखाते हैं हर चीज़, उसको इलेक्ट्रॉनिकल बनाते हैं। अब इतना सेट बना के बच्चा पहाड़ी, एक बच्चा तैयार करके दिखाता है उसको, तैयार करके दिखाते हैं। हाँ जी, क्या तैयार करके? उसने एक हमें सैमरी बनाया, मेरे पास मोबाइल के अंदर वो दिखा सकते। असेंबली क्या बनाया? आपको दिखा देते हैं। हमारी तालीम सबसे बेस्ट है। हाँ जी, बेस्ट है दुनिया में। हाँ, दुनिया में हमारी। फिर हमारी तालीम को मानते क्यों नहीं है? ये देखो ट्रीट बनाई हुई उसने। क्या बनाया ये भाई मेरे? ये चीज वो बना रहे ये भाई मेरे, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है भाई मेरे, ये डेकोरेशन है। हम तो जहाज भी बना सकते, सब कुछ बना सकते। बना क्यों नहीं रहे? फिर बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम बनाते हैं ना वो चीज, बाहर के मुल्क जाकर नंबर लग जाता है। क्या अभी आप बेच रहे हैं मोबाइल भाई? ये डेकोरेशन है जो आपने मुझे बताया? हाँ मोबाइल है, मोबाइल है ना। अब यहाँ पे हर जगह पे ये तैयार होता है भाई। पुर्जे आते हैं बाहर से, सुनिए, पुर्जे आते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। वो असेंबलिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जरा दिमाग खोल के बात करें। दिमाग खोल के बात कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये मोबाइल है ना। ये कौन सा मोबाइल है? ये कौन सा मोबाइल है? ये हमारा टेक्नो का है। टेक्नो का है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ऊपर। मेडियन जो वो यहाँ से और तैयार होकर ठप्पा लग गया था। खोले इसको, खोले ये, इसको खोले। ये पीस बिकते हैं, हमने चाइना गए, हम तो चीप पीस देख के आए हैं। इसको खोले, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि मेड इन पाकिस्तान है। इसके सिर्फ पुर्जे जुड़ते हैं, आप सच नहीं मानेंगे, मैं आज आपको सच बताऊंगी। चलो देखते हैं। तो ना लीजिएगा बस, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपने पर्ची उतारी हुई है? आपने पर्ची उतारी? पर्ची भी नहीं है, स्टिकर। ये कंपनी पाकिस्तान की नहीं है। अब बाजी छोड़ दो, ये चीजें नहीं। क्यों छोड़ूं? तैयार करते हैं फिर ये। क्या तैयार करते हैं? पुर्जे बाहर से आते हैं मेरे भाई, पुर्जे बाहर से आते हैं मेरे भाई, पुर्जे बाहर से आते हैं। बाजी ये अपने पाकिस्तान को आप खुद गलत। मैं डिग्रेड नहीं करी, मैं सच बता रही हूँ। ये आप मेरे सामने ये ना करें कि जो सच बताता है वो खिलाफ होता है। मैं सच बता रही हूँ ताकि आप में अवेयरनेस आए। समझ आई है? भजन हमें सब कुछ आता है। आपको सब कुछ आते हैं? अच्छा चले चले, ठीक है ठीक है। अभी सीख के चला गया हमारे से बूट वगैरह, आज चाइना की बूट पहन के बैठ के फेरे। अब यही तो सोचो ना, चीना हमसे सीख के गए। चीना? हाँ जी। चीन ने क्या क्या हमसे सीखा? बाजी यहाँ पे होक्सन की हमारी दुकान होती थी बूटों की, लेदर सोल की, एक दौर के अंदर। आज हम खुद फकीर हो गए हैं, एक कारखानदार फकीर हो के बैठे। नहीं, फकीरियत पे बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रही हूँ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने चाइना को सिखाई है? हर चीज सिखाई है उसको। कौन कौन? जूता उसको सिखाया है, बच्चों के हर चीजें, कपड़े वगैरह हर चीज सीखे हैं। वहाँ पे बन के तैयार रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट लग के आ जाता है। एक मिनट, मैं चाइना से आया जी। अच्छा, हम चाइना से आया। सुने, यानी हम बूट वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाते हैं, फिर वो हम चाइना बेचते हैं, फिर चाइना अपना ठप्पा लगाता है मेड इन चाइना, फिर हमें देता है। हमारे साथ धोखा हो गया। ये धोखा ही होता है, ये तो धोखा होता है। अब ये जैकेट पहनती है लेदर का, तो यही पे कराची में हम पोर्ट हो रहा है, वही पे तैयार हो। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने, सच सुने, सच सुने। इस वक्त हम लोग बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, चाइना से भारी मिकदार में यहाँ चीजें आती है। आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते होंगे ना, वो भी मेड इन चाइना के होते होंगे। जरा आंखें खोले, इन सब चीजों को हमने दुरुस्त करना है, हमने ही दुरुस्त करना है। अगर हम कहेंगे सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले पहले, आप ऐसे बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर सकती। आप अपनी राय मुझ पर मसल्लत ना करें। चाइना का मोहर लग रहा है, गुजरात में चले जाए, सारे बर्तन वहाँ से तैयार हो रहे हैं, तांबा, पीतल, सिल्वर, हर चीज। और दूसरे चाइना के जो चीनी के बर्तन होते हैं उसको भी मोर मशीन पे लग रही है, हर चीज लग रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम लोग खुद अपनी यहाँ चीजें बनाते हैं, आपके मुताबिक हम चाइना भेजते हैं, चाइना सिर्फ अपना ठप्पा लगा के हमें वापस कर देता है। हम उनको बेचते हैं ना चीजें, वो हमें पैसे दे देता होगा या हम मुफ्त में ही भेज देते हैं? पैसे वो लोग डॉलरों के हिसाब से। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। आप कह रहे हैं ना हम चीजें बना के चाइना को बेचते हैं, वो ठप्पा लगा के हमें वापस करते हैं, तो मैं कह रही हूँ तो फिर वो हमें पैसे देते ही होंगे ना जब हमसे चीज खरीदते होंगे, तो वो चीज रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? रिकॉर्ड में नहीं आ सकता ना, क्यों नहीं आ सकता? ये लोग सारे खा जाते हैं। अब आप स्टिल अभी भी यही कहेंगे कि चाइना को हम बना के बेचते हैं? हाँ बेचते हैं। तो फिर चाइना हमसे आगे क्यों? हमें तो सबसे आगे ना चाहिए। वो चाइना इसलिए तो आगे है, हमसे लेते हैं, हमसे लेते हैं, सामान समून जाता है हमारा।
कौन सा सामान हमसे लेता है बाजी? बड़ा कुछ जाता है, बताए ना, बड़ा कुछ जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे आपसे बात करके, बड़ी आपके पास नॉलेज है। बताए तो सही, हम क्या बेचते हैं चाइना, क्या वहाँ पर यूज होता है? चाइना का जेवर वगैरह, आर्टिफिशियल वगैरह, हर चीज। अच्छा, तो हम बेचते हैं तो फिर हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था। तो जब भी तो मोर लग के यहाँ बिकती पाकिस्तान में आ जाता। आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ नहीं पता मेरे भाई? भाई जी मैंने जैकेट पहनी है, इम्पोर्ट का सब कुछ पता है। मैंने जैकेट कहाँ की पहनी है? उतार के टैग दिखाया। मैं टैग क्यों दिखाऊं? क्यों देखा, फंस गए। देखा ये आया ना ऊंट पहाड़ के। नहीं, आप भी जरा सच को तस्लीम करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़े, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमारा नाम हो। लेकिन वो तभी होगा जब हम सिंसियर होंगे, जब हम अपनी गलती मानेंगे। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी जनता का हाल। इन लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं है, और अगर अवेयरनेस होता भी है तो भी ये लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ये बात हाईलाइट हो जाती है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का हाल तो सबको पता ही है। वहाँ के लोग और वहाँ के पॉलिटिशियंस सिर्फ झूठी बातें और किस्से कहानियाँ बताने में माहिर है। पाकिस्तान में भी इनोवेशन होता है ये बात कहकर वो बंदा उस रिपोर्टर को जो वीडियो दिखाता है उसे देखकर वो रिपोर्टर अपना सर पकड़ती है। और उसके हिसाब से चीन जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तानी इकोनॉमी से तकरीबन 60 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ये अंकल के हिसाब से चीन पाकिस्तान से चीजें ले जाकर अपना स्टैंप लगाकर वही माल पाकिस्तान में बेचता है। इसे आप क्या कहेंगे? मतलब जहालत की भी एक हद होती है। ये अंकल उस हद से भी बहुत ज्यादा आगे है, और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में बिल्कुल कमी नहीं है। और जब तक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही रहेगा, पाकिस्तान में ऐसे नमूनों की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।